प्रातः क्लास चल रहा था 7 मार्च 1968। द मॉर्निंग क्लास ऑफ द 7th मार्च 1968 वॉज गोइंग ऑन। चौथे पीच के मध्यार्ध में बात चल रही थी गुरुवार को। वी वर डिस्कसिंग द बिगिनिंग ऑफ द मिडिल पार्ट ऑफ द 4th पेज ऑन थर्सडे। के लौकिक घर जो होते हैं वहाँ बच्चे कभी भी अपने बाप को परमपिता नहीं कहते। इन द लिमिटेड हाउसेस चिल्ड्रन नेवर कॉल देयर फादर द सुप्रीम फादर। ये तो यहाँ तुम जानते हो कि परमपिता यानी सुप्रीम बाप। इन फैक्ट यू कम टू नो दिस हियर दैट परमपिता मीन्स द सुप्रीम फादर। जो ही ज्ञान का सागर है। हु हिमसेल्फ इज द ओशन ऑफ नॉलेज। कैसे? हाउ? परमपिता ज्ञान सूर्य है कि ज्ञान का सागर है? इज द सुप्रीम फादर द सन ऑफ नॉलेज और द ओशन ऑफ नॉलेज? कैसे है? हाउ इज ही दैट? सूर्य है, वो तो ठीक है जान लिया, सागर क्यों कहा फिर? स्टूडेंट रिप्लाइज, ही इज द सन। That is certainly correct. We came to know that. Then why did he say the ocean? वो ही ज्ञान का सागर है। He himself is the ocean of knowledge. कैसे हो गया सागर? How did he become the ocean? अरे सागर में प्रवेश किया तो सागर हो गया। अरे he entered the ocean, so he became the ocean. सागर तो धरणी से नजदीक रहता है ना, धरणी माने देह है मिट्टी। द ओशन स्टेज क्लोज टू द धरणी डजंट इट? धरणी मीन्स द बॉडी सॉइल है ना? हाँ इट डज डजंट इट? यस। तो उसमें प्रवेश किया तो ज्ञान का सागर हो गया। सो एज ही एंटर्ड हिम ही बिकेम द ओशन ऑफ नॉलेज। फिर उनकी तो महिमा करते हो, उनकी माने दोनों की है, एक की। देन यू प्रेज देम मीनिंग उनकी। उनकी मीन्स बोथ और जस्ट वन? दोनों की तुम महिमा करते हो कि ज्ञान का सागर। यू प्रेज बोथ एज द ओशन ऑफ नॉलेज। सो अभी सभी देख रहे हो कि ज्ञान का सागर है, उनसे तुमको ज्ञान मिलता है। नाउ All of you are seeing that you receive knowledge from the ocean of knowledge. है शांति का सागर। He is in fact the ocean of peace. क्या? What? जो जिसमें प्रवेश किया मुकर्रर रथधारी में। The permanent chariot he entered. वो भी तो अंदर से सागर शांत रहता है, ऊपर ऊपर से लहरें मारता है। He too is the ocean that stays peaceful from within and surges waves above. तो शांति तुमको मिलती है शांति के सागर से। So you receive peace from the ocean of peace. तो तुमको शांति के लिए बाहर में नहीं ढूंढना पड़ता है। You needn't search for peace outside. तो उसके लिए वो कहानी सुनाते हैं। So They narrate a story for it. कि वो शांति मांगते हैं। They ask for peace. है? विश्व में शांति कैसे हो? How will there be peace in the world? कॉन्फ्रेंस करते हैं ना विश्व शांति के लिए। They organize conferences for world peace, don't they? तो फिर उनको समझाया जाता है। Then it is explained to them. क्या? What? अरे शांति तो गले का हार है। अरे पीस इज द गार्लैंड अराउंड योर नेक। कहाँ ढूंढते फिरते हो? व्हाई डू यू वंडर इन सर्च ऑफ इट? जैसे वो रानी के बारे में बताते हैं ना, बगल में लड़का शहर ढिंढोरा। जस्ट लाइक दे से अबाउट दैट क्वीन डोंट दे? शी हैड हर सन राइट बिसाइड हर, स्टिल शी मेड अ प्रोक्लेमेशन इन द सिटी सर्चिंग फॉर हिम। सो हाल हो गया। इट इज द सेम कंडीशन। अरे तुम तो हो ही आत्मा। अरे यू आर सर्टनली अ सोल। तुम कोई मिट्टी के लौंदा ये शरीर थोड़े ही हो। यू आरंट अ लंप ऑफ सॉइल दिस बॉडी। है? तो
आत्मा समझेंगे तो शांत। इफ यू कंसिडर योर सेल्फ अ सोल यू विल बी पीसफुल। मांगने की करने की दरकार नहीं। देर इज इन द नीड टू आस्क फॉर इट एट ऑल। अभी गले का हार नहीं है शांति। नाउ पीस इज इन द गार्लैंड अराउंड योर नेक। क्यों? वाई? क्यों नहीं है? वाई इज इंट इट दैट? क्योंकि जो मुकरधारी आत्मा है उसको शांति मिल गई। इट इज बिकॉज डिड द सोल ऑफ द परमानेंट चैरियट फाइंड शांति। शांति मीन्स पीस। हियर बाबा इज पर्सोनिफाइंग इट। शांति बहन कहते हैं कि शांति माता कहते हैं कि शांति बाप कहते हैं? इज इट सेड सिस्टर शांति मदर शांति और फादर शांति? शांति फीमेल का नाम होता है या मेल का नाम होता है? इज शांति अ फीमेल नेम और अ मेल नेम? बहन का नाम होता है, माता का नाम होता है शांति। इट इज द नेम ऑफ अ सिस्टर और अ मदर। उस मुकर्रधारी आदम से एडम से पूछो तुमको वो शांति मिल गई। सो आस्क दैट वन हु बेयर्स द परमानेंट चैरियट आदम और एडम हैव यू फाउंड दैट शांति? मिल गई। स्टूडेंट रिप्लाइज हैज ही? नहीं मिल गई ना। ही हैजंट हैज ही? जब मिलती है तो तुमको शांति के लिए बाहर नहीं ढूंढना पड़ता है। वेन यू फाइंड इट यू वोंट हैव टू लुक फॉर इट आउटसाइड। अभी तो तुम्हारे गले का हार नहीं है। नाउ इट सर्टेनली इजंट द गार्लैंड अराउंड योर नेक। विजयमाला का हार तुम्हारे गले में आया? हैज द गार्लैंड ऑफ द विजयमाला कम अराउंड योर नेक? नहीं आया ना। इट हैजंट हैज इट? परंतु उस विजयमाला को जिसे कहेंगे। यस बट द वन हु विल बी कॉल्ड द विजयमाला। वो उस आत्मा का तो स्वधर्म है। इट इज इनफैक्ट हर स्वधर्म। स्व मीन्स द सेल्फ द सोल। धर्म मीन्स बिलीफ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस। क्या? वॉट? परा प्रकृति है ना। शी इज परा प्रकृति इजंट शी? एक अपरा प्रकृति माने शरीर पांच तत्वों का पुतला। देर इज वन अपरा प्रकृति मीनिंग द बॉडी द एफिजी ऑफ द फाइव एलिमेंट्स। और उसमें पराशक्ति माने आत्मा। एंड द पराशक्ति द एलिवेटेड शक्ति इन हर मीन्स द सोल। तो उस आत्मा का स्वधर्म आप अपना धर्म क्या है? सो वॉट इज द स्वधर्म मीनिंग द धर्म ऑफ द सेल्फ ऑफ दैट सोल? शांत धर्म है कि अशांत है? इज हर धर्म पीस मीनिंग शांत और रेस्टलेसनेस मीनिंग अशांत? शांत धर्म है। हर धर्म इज पीस। ओ कहीं भी बाहर ढूंढ नहीं सकते हैं। यू कांट सर्च इट एनीवेयर आउटसाइड। क्या? वॉट? कुछ भी हो जाए। नो मैटर वॉट हैपन्स। क्या? वॉट? दुनिया में लोग कितने भी अशांत हो जाएं। नो मैटर हाउ रेस्टलेस द पीपल गेट इन द वर्ल्ड। कोरोना बीमारी आती है अशांत हुए सारे देश। वेन द डिजीज कोरोना स्प्रेड ऑल द कंट्रीज बिकेम रेस्टलेस। भारत में भी अशांति आई ना। इवन इन इंडिया देर वॉज रेस्टलेसनेस वॉज इन देर। ये लॉकडाउन वो लॉकडाउन। देर वॉज दिस लॉकडाउन दैट लॉकडाउन। क्या क्या मुसीबत बना के रख दी। इट क्रिएटेड सो मेनी ट्रबल्स। तो वहाँ क्या संदेश मिला? सो वॉट मैसेज डिड शी रिसीव देर? शांति आत्मा को क्या संदेश मिला? वॉट मैसेज डिड द सोल ऑफ शांति रिसीव? अरे परम पिता ने कोई संदेश दिया साक्षात्कार में। अरे डिड द सुप्रीम फादर गिव हर सम मैसेज थ्रू विजन? संदेश दिया शांत रहना है। ही गेव हर द मैसेज यू हैव टू स्टे पीसफुल। कुछ भी हो जाए शांति को शांति को छोड़ना नहीं है, अपने अंदर शांति बना के रखनी है।
No matter what happens, you mustn't leave peace. You must preserve peace within yourself. और उसे ढूंढ भी नहीं सकते हैं कहीं? And you can't search for it anywhere either. तो बोले ये शांति कौन दे सकता है? So, it was said, who can give this peace? वो शांति तो और किसी के पास होती ही नहीं. No one else has that shanti at all. किसी के पास जाती है? Does she go to anyone? किसके पास जाती है? Who does she go to? अगर जाती है तो शांति के सागर के पास ही जाती है. If she goes to someone, she just goes to the ocean of peace. शांति या शांता? Is it शांति और शांता? है? शांति किसके पास जाती है? Who does शांति go to? सागर के पास ही जाएगी ना? She will go to the ocean himself, won't she? Yes. तो देखो वो बाप आते हैं. So look, that father comes. तुम बच्चों को शांति का वर्षा दे रहे. And he is giving the inheritance of peace to you children. कौन सा बाप? Which father? जो सदा शांति धाम का वासी है. The one who is always a resident of the abode of peace. है? कौन? Who? वो ही परमपिता, परमात्मा, हेवनली गॉड फादर, परमात्मा में प्रवेश करते हैं, परम पार्टधारी हीरो में. That very supreme father, supreme soul, heavenly God the Father, who enters the supreme soul, the supreme actor, the hero. तो वो आते हैं उसमें, तो तुम बच्चों को शांति का वर्षा दे रहे. He comes in him, so he is giving you children the inheritance of peace. हाँ, और थोड़े बहुत नहीं. And not just a few. सब चले जाएंगे, बहुत चले जाएंगे अपने घर शांति धाम में. बहुत क्यों? Everyone will go back. Many will go back to their home, the abode of peace. Why many? इसका मतलब कुछ रह जाएंगे. Does it mean some will stay back? बहुत तो चले जाएंगे, कुछ रह जाएंगे इधर. Many will certainly go back. Will some stay back here? कुछ नहीं रह जाएंगे. Student replies, no one will stay back. एक रह जाएगा. Student replies, will one soul stay back? अच्छा, उसकी प्रजा नहीं रह जाएगी. अच्छा, won't his subjects stay back? है? अरे इस दुनिया में सभी आत्माएं चली जाएंगी कि बहुत चली जाएंगी, थोड़ी रह जाएंगी? अरे इन दिस वर्ल्ड विल ऑल द सोल्स गो बैक और विल मेनी गो बैक एंड सम स्टे बैक? अरे रुद्रमाला है रौद्र रूप धारण करने वाले की, तो रुद्रमाला में जो भी मणके हैं है? अरे when it is the Rudramala of the one who takes on a fearsome form, all the beads in the Rudramala. ये तो 108 की Rudramala. One is the Rudramala of the 108 souls. फिर है 500 करोड़ की Rudramala. Then there is the Rudramala of the 5 billion souls. वो तो है, वो 500 करोड़ में तो बताया बहुत से हैं जो चले जाएंगे. That is all right. It was said for the 5 billion souls that there are many among them who will go back. तो वो special माला जो है. So, the special rosary is the one. है, जिसे में 4.5 लोग ज्यादा से ज्यादा गिने जाते हैं. In which 450,000 souls are counted at the most. कितने? 4.5 लाख. हाँ. How many? 450,000 souls. Yes. और विजयमाला भी ऐड होती है, तो वो भी रुद्रमाला में मिल जाती. एंड व्हेन द विजयमाला जॉइंस देम, दे आर आल्सो एडेड इन द रुद्रमाला. है? रुद्र के स्वभाव संस्कार से मिलकर एक होती है कि नहीं? एक हो जाती. डू दे हार्मोनाइज देयर नेचर एंड संस्कार्स विद रुद्र एंड बिकम वन और नॉट? दे डू. तो बताया वो थोड़े रह जाएंगे और बाकी बहुत. सो इट वॉज सेड अ फ्यू विल स्टे बैक
एंड द रिमेनिंग वंस हु आर न्यूमरस क्या होगा? चले जाएंगे. व्हाट विल हैपन? दे विल गो बैक. अपने शांति धाम में चले जाएंगे. बहुत मेनी विल गो बैक टू देयर अबोड ऑफ पीस. और फिर सतयुग में अशांति होती ही नहीं है. एंड देन देयर इज एन रेस्टलेसनेस इन द गोल्डन एज एट ऑल. जब आएंगे ना, व्हेन दे कम, ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा की फॉलोअर साथ में आएंगी ना. ब्रह्मा बाबा एंड द सोल्स ऑफ हिज फॉलोअर्स विल कम, वोंट दे? सतयुग में नहीं आएंगी? आएंगी तो फिर सतयुग में अशांति तो नहीं होती है. वोंट दे कम इन द गोल्डन एज? व्हेन दे कम देयर सर्टेनली वोंट बी रेस्टलेसनेस इन द गोल्डन एज. कभी भी नहीं. देयर विल नेवर बी रेस्टलेसनेस देयर. क्योंकि यही सत्य का युग. इट इज बिकॉज इट इज द एज ऑफ ट्रूथ इटसेल्फ. कोई में ये पांच विकार होते ही नहीं. देयर आरंट दीज फाइव वाइसेस इन एनीवन एट ऑल. ये तो रावण के मुखे हैं. दे आर द हेड्स ऑफ रावण. है वो तो झूठा है. इज ही अ लायर? चोर चकार डकैत है. इज ही अ थीफ? अ डकॉइट. यह सच्चा है. और इज ही ट्रूथफुल? है झूठा है ना. झूठा है कि सच्चा है? ही इज अ लायर इजंट ही? इज ही अ लायर और इज ही ट्रूथफुल? झूठा है. ही इज अ लायर. इसलिए बताया. दिस इज वाई इट वॉज सेड कि सतयुग में भी वो जो आने वाली आत्माएं हैं वो सब शांत रहती है. ऑल द सोल्स हु कम इन द गोल्डन एज स्टे पीसफुल. वो शांति का राज्य उसको कहा जाता है. दैट इज कॉल्ड द किंगडम ऑफ पीस. क्या? वॉट? उसको कंट्रोल करने वाली कौन? हु इज द वन हु कंट्रोल्स इट? वहाँ भी जो राधा कृष्ण को जन्म देने वाली होगी. देयर टू द वन हु गिव्स बर्थ टू राधा कृष्ण. वो शांति होगी कि नहीं? विल दैट शांति बी प्रेजेंट और नॉट? यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में भी वो शांति है या नहीं है? इज दैट शांति प्रेजेंट हियर इन द एलिवेटेड कॉन्फ्लुएंस एज एज वेल और नॉट? नहीं है. है? इजंट शी? स्टूडेंट रिप्लाइज शी इज यस. तो उसका राज्य वहाँ भी उसको कहा जाता है. सो इट इज सेड दैट देयर इज हर किंगडम देयर एज वेल. तो राज्य अकेला ही होता है. देयर इज द किंगडम ऑफ ओनली द वन. उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य. दैट इज कॉल्ड द नॉन ड्यूअलिस्टिक किंगडम. दूसरा उसमें कोई होता ही नहीं. देयर इजंट एनीवन एल्स देयर एट ऑल. क्यों? व्हाई? सतयुग आदि में अकेला होगा. इन द बिगिनिंग ऑफ द गोल्डन एज विल देयर बी द किंगडम ऑफ द वन? या कोई द्वैतवाद भी होगा. और विल देयर बी ड्यूअलिज्म? जब दूसरा जन्म होगा तो फिर द्वैतवादी नारायण वाली आत्माएं सतयुग में प्रवेश करेंगी या नहीं करेंगी? कम कलाओं वाली. व्हेन इट इज द सेकेंड बर्थ मीनिंग जेनरेशन विल द सोल्स ऑफ द ड्यूअलिस्टिक नारायण्स विथ फ्यूअर सेलेस्टियल डिग्रीज एंटर द गोल्डन एज और नॉट? उन्हें 16 कला से शुरू होंगी ना दूसरी पीढ़ी. द सेकेंड जनरेशन विल स्टार्ट विथ 15 एंड 3/4 सेलेस्टियल डिग्रीज, वोंट इट? यस. तो पहले तो अकेला ही होता है, फिर उसको कहा जाता है अद्वैत मार्ग, अद्वैत देवताओं का राज्य. सो फर्स्ट देयर इज द किंगडम ऑफ ओनली द वन. दैट इज कॉल्ड द नॉन ड्यूअलिस्टिक पाथ, द किंगडम ऑफ द नॉन ड्यूअलिस्टिक डीटीज. वहाँ द्वैत का तो नाम निशान नहीं. देयर इजंट अ ट्रेस ऑफ ड्यूअलिज्म देयर. बाकी पीछे होते हैं द्वैत. एज फॉर द रेस्ट देयर इज ड्यूअलिज्म लेटर. पीछे माने? व्हाट डज लेटर मीन? जब पहला जन्म खत्म हो जाता है तो बाद में जो आते हैं दूसरी पीढ़ी में सतयुग में. आफ्टर द फर्स्ट बर्थ इज ओवर दोज हू कम लेटर इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ द गोल्डन एज. उनमें कुछ न कुछ है असत्य कान से होगा या नहीं होगा? विल देयर बी अ स्पेक ऑफ फॉल्सिटी इन देम टू सम एक्सटेंट और नॉट? हाँ होगा. यस देयर विल बी. तो वो है फिर झगड़े में डालने वाले. सो दे आर दोज हू स्टार्ट अ डिस्प्यूट.
जैसे द्वैतवादी द्वापर युग आता है, एज सून एज द ड्यूअलिस्टिक कॉपर एज अराइव्स और दूसरे धर्म पे नए सृष्टि पर आते हैं, एंड द अदर रिलीजियस फादर्स कम टू दिस वर्ल्ड, वो जितने भी कम कलाओं वाले नारायण हैं सतयुग के पहले जन्म के बाद, वो कन्वर्ट होते हैं कि नहीं? Do all the Narayans with fewer celestial degrees who belong to the generations after the first generation of the golden age convert or not? हाँ, वो सब convert होने लगते हैं. Yes, all of them start to convert. देखो, अभी तुम तो देवता बनते हो. Look, now you certainly become deities. देवता ही राज्य, एक राज्य और दूसरे तो सभी खलास हो जाएंगे. There will be the divine kingdom, one kingdom, and all the others will be destroyed. सभी खलास हो जाएंगे. Everyone will be destroyed. जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं वो भी. Those who convert to the other religions will also. कन्वर्ट होने वाले देवताएं तो बनते हैं ना. Those who convert do become deities, don't they? सतयुग में नहीं बनते हैं, कम कला के बनते हैं. Don't they become deities in the golden age? They become the deities with fewer celestial degrees. तो वो सब यहाँ रहेंगे विष्णु लोक में. So will they all be here in the Vishnu lok, meaning abode of Vishnu? ऐसे लोक में जहाँ तुम जाते हो, जहाँ अतीन्द्रिय सुख भोगते हो, वहाँ वो रहेंगे कम कलाओं वाले. In the abode where you go, where you experience the super sensuous joy, will they, those with fewer celestial degrees, be present? नहीं, they won't. सभी खलास हो जाएंगे. Everyone will be destroyed. तो बताते हैं कि अद्वैत शास्त्र तो सिर्फ एक गीता है. So it is said, only the one Gita is the non-dualistic scripture. क्या? What? ये गीता है अद्वैत शास्त्र माना, जिसमें दो दो बातों की बात है ही नहीं. दिस गीता इज द नॉन ड्यूअलिस्टिक स्क्रिप्चर, इट मीन्स देर इज नो कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट इन इट एट ऑल. परंतु अभी वो शास्त्रकारों ने जो गीता लिखी है वो है झूठी. बट द गीता दैट द राइटर्स ऑफ स्क्रिप्चर्स हैव रिटन इज फॉल्स. क्यों झूठी हो गई? व्हाई डिड इट बिकम फॉल्स? क्योंकि उसमें कंट्रोलर कौन दिखाई दिया? इट इज बिकॉज हु हैव दे शोन एज द कंट्रोलर इन इट? वो 16 कला संपूर्ण कलाबद्ध कृष्ण. दैट वेरी कलाबद्ध कृष्ण कम्प्लीट विथ 16 सेलेस्टियल डिग्रीज. कलातीत सुख भोगने वाली आत्मा अपने शरीर से. इज ही अ सोल हु एक्सपीरियंसेस द सुपर सेंशुअस जॉय थ्रू हिज बॉडी? या कलाओं में बंधा हुआ सुख भोगने वाली आत्मा चंद्रमा की तरह? Or the one who experiences the joy bound to the celestial degrees like the moon? हाँ, बंधा हुआ. Yes, the joy bound to the celestial degrees. तो देखो, वो झूठी गीता में उसे 16 कला संपूर्ण कृष्ण कलाबद्ध का नाम डालने से वो गीता झूठी हो गई. So look, that Gita became false because of adding the name of the कलाबद्ध कृष्ण complete with 16 celestial degrees in it. उन्होंने बनाई है. किन्होंने? शास्त्रकारों. They have made it. Who? The writers of the scriptures. ये बाप आकर के देवता धर्म की स्थापना करते हैं. This father comes and establishes the deity religion. हाँ, जो जो पूरा पूरा वर्षा 84 जन्म का लेते हैं. Yes. Those who take the complete inheritance of the 84 births. और ये फिर है, ये फिर एक भी जन्म नहीं लेते हैं कहाँ? And then these ones don't even have a single birth. Where? ये फिर एक भी जन्म नहीं लेते हैं. Then these ones don't even have a single birth. कौन? Who? अरे जो कम कलाओं वाले हैं वो तो एक भी जन्म नहीं लेते हैं. अरे दोज विथ फ्यूअर सेलेस्टियल डिग्रीज डोंट इवन हैव अ सिंगल बर्थ.
फिर ये 16 कला संपूर्ण वाला, देन द वन कम्प्लीट विद 16 सेलेस्टियल डिग्रीज, एक जन्म लेता है या नहीं विष्णु लोक में? डज ही हैव वन बर्थ इन द विष्णु लोक और नॉट? लेता तो है। ही सर्टेनली डज। विष्णु की भुजा दिखाई जाती है? ही इज शोन एज एन आर्म ऑफ विष्णु। तो नहीं होता है? सो डजंट ही हैव अ बर्थ? होता तो है, परंतु अपने शरीर से, अपने शरीर से नहीं होता है। ही सर्टेनली डज बट नॉट विथ हिज ओन बॉडी। हाँ, तो ये तो अलौकिक जन्म है। यस, सो दिस इज एन अलौकिक बर्थ। है, इसको कहा जाता है अलौकिक, इसे लोक का नहीं है। इट इज कॉल्ड अलौकिक मीनिंग दैट विच इजेंट ऑफ दिस लोक वर्ल्ड। ये लोक तो स्थूल लोक है ना? दिस वर्ल्ड इज सर्टेनली द फिजिकल वर्ल्ड इजेंट इट? अलौकिक लोक कौन सा है? विच इज द अलौकिक वर्ल्ड? सूक्ष्म लोक को कहेंगे अलौकिक लोक, इस लोक का नहीं है। द सटल वर्ल्ड विल बी कॉल्ड द अलौकिक वर्ल्ड, इट इजेंट समथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। अलौकिक माना दूसरा कोई जन्म ऐसा लेता ही नहीं है। अलौकिक मीन्स ही नेवर हैज सच अ बर्थ। समझा ना बच्चे? यू डिड अंडरस्टैंड डिडंट यू चिल्ड्रन? ये फिर आते हैं। देन दे कम। फिर नहीं आएंगे और जन्मों में। एंड दे वोंट कम अगेन इन द अदर बर्थ्स। बस एक दफा अभी आते हैं पुरुषोत्तम स्वर्णिम संगम युग में। दे जस्ट कम वंस नाउ इन द एलिवेटेड गोल्डन कॉन्फ्लुएंस एज। आत्मा आएंगी कि नहीं? विल द सोल्स कम हियर और नॉट? इनकी देह अपनी नहीं होगी लेकिन आएंगी तो। दे वोंट हैव देयर ओन बॉडी बट दे विल सर्टेनली कम हियर, वोंट दे? है, देह तो तुम्हारी भी नहीं क्योंकि मन बुद्धि में देह का ख्याल रहता है अतीन्द्रिय सुख के लोक में। एज सच इवन यू वोंट हैव अ बॉडी बिकॉज डू यू हैव द अवेयरनेस ऑफ द बॉडी इन द माइंड एंड इंटेलेक्ट इन द अबोड ऑफ द सुपर सेंसुअस जॉय? नहीं। यू डोंट। तो दूसरे तो फिर आते हैं, फिर आत्मा वापस तो नहीं जाती है कोई की। सो वेन द अदर्स डिसेंड नन ऑफ देयर सोल रिटर्न्स बैक। तो वो तो आत्मा घड़ी घड़ी शरीर लेती है। द सोल टेक्स ऑन अ बॉडी अगेन एंड अगेन। एक शरीर छोड़ा दूसरा शरीर लिया। इट लीव्स वन बॉडी एंड टेक्स अनदर। तो ये तो फिर वापस यहाँ आते ही नहीं। सो दे डोंट कम बैक हियर एट ऑल। कौन? हु? है? यहाँ माने कहाँ? हियर मीन्स वेयर? पुरुषों में जो उत्तम बनने वाली आत्माएं उत्तम से उत्तम सुख 84, 83, 82, 83 जन्मों में भोगती है। द सोल्स हु आर गोइंग टू बिकम द बेस्ट अमंग द सोल्स, द वंस हु एक्सपीरियंस द बेस्ट जॉय फॉर 82 to 83 बर्थ्स, वो फिर यहाँ आती है पुरुषोत्तम संगम स्वर्णिम युग। डू दे कम विद द बॉडी हियर इन द गोल्डन कॉन्फ्लुएंस एज? नहीं आती। आती हैं? दे डोंट। डू दे? नहीं आती। दे डोंट। अभी तुम जो सन्मुख बैठे थे हो, पढ़ाई पढ़ते हो। Now you who sit face to face and study, तो तुम्हारी पढ़ाई के लिए मुझे आना पड़ता है। I have to come for the sake of your studies. मुझे माने किसे? I means who? है? सुप्रीम सोल को, हेवनली गॉड फादर को। हाँ, तुम बच्चों के लिए जो सन्मुख बैठ के पढ़ाई पढ़ते हो उनके लिए आना पड़ता है। द सुप्रीम सोल हेवनली गॉड द फादर हैज टू कम फॉर यू चिल्ड्रन हु सिट फेस टू फेस एंड स्टडी। पढ़ता है? मजबूरी है। हैज टू? इज इट अ कंपल्शन? हाँ, मजबूरी है। यस, इट इज अ कंपल्शन। क्यों? व्हाई? कि तुम तो एकदम पतितमो प्रधान। इट इज बिकॉज यू आर कम्प्लीटली सिनफुल एंड तमो प्रधान। सब धर्मों में जो भी आत्माएं हैं उन सब से गलीज तुम बनते हो। डू यू बिकम द मोस्ट इम्प्योर कम्पेयर टू ऑल द सोल्स इन द अदर रिलीजन्स? क्या और बनते हैं? और डू अदर्स बिकम दैट? तुम बहुत गरीब। तुम यू बिकम वेरी इम्प्योर। तो मुझे तो तुमको पावन बनाना ही है।
सो आई हैव टू प्यूरिफाई यू. क्या? वॉट? हाँ, बाप ऐसे कहेंगे ना. यस, द फादर विल से दिस, वोंट ही? बाप ऐसे कहेंगे. द फादर विल से दिस. कहेंगे? कौन से बाप ऐसे कहेंगे? ही विल से दिस. विच फादर विल से दिस? कहेंगे, भविष्य में क्यों डाल दिया, अभी नहीं कहते हैं. ही विल से दिस. वाई वॉज इट पोस्टपोन टू द फ्यूचर? डजंट ही से दैट नाउ? अरे साकार बाप मुकर्रर रतधारी के लिए कहा. अरे इट वॉज सेट फॉर द कॉर्पोरियल फादर हु बेयर्स द परमानेंट चैरियट. कि बाप ऐसे कहेंगे ना. द फादर विल से दिस, वोंट ही? कैसे? हाउ? मुझे भी आना पड़ता है तुम जो पतित पतित है गलीज बन पड़ते हो. है? आई टू हैव टू कम बिकॉज यू बिकम द मोस्ट सिंफुल इम्प्योर. नहीं? हाँ. नो? यस. तो तुमको उठाने के लिए मुझे भी आना पड़ता है. कौन सा बाप? सो टू अपलिफ्ट यू इवन आई हैव टू कम. विच फादर हैज टू कम? जो बाप समान बनता है, सुप्रीम सोल बाप समान. द वन हु बिकम्स इक्वल टू द फादर, द सुप्रीम सोल फादर. उसे भी वही रास्ता अपनाना पड़े, फॉलो करना पड़े अपने बाप को या नहीं? हाँ. डज इवन ही हैव टू अडॉप्ट दैट वेरी पाथ एंड फॉलो हिज फादर और नॉट? यस. तुम पति तो बुलाते रहते हो. यू आर इम्प्योर सो यू कीप कॉलिंग मी. ड्रामा के प्लान अनुसार हमारा पार्ट ही ऐसा है. अकॉर्डिंग टू द ड्रामा प्लान अवर वेरी पार्ट इज सच. क्या? जो पतित पतित काम ही कांटे हैं. वॉट? दोज हु आर द मोस्ट सिंफुल लस्टफुल थॉर्न्स. उनके ही बीच में मेरा आने का. टू कम राइट अमिट्स देम. माई? हमारा, मेरा नहीं. आवर, नॉट माई. हमारा पार्ट ही ऐसा. हमारा क्यों कहा? अवर वेरी पार्ट इज सच. वाई डिड ही से अवर? एक के लिए बोला. अच्छा. स्टूडेंट रिप्लाइज, इट वॉज सेट फॉर वन सोल. अच्छा. एक के लिए हमारा कहा जाता है. इज अवर सेट फॉर वन सोल? हाँ, हमारा मन सेवा का और जो बाबा नामधारी विशेषण धारण करता है उसका भी. स्टूडेंट रिप्लाइज, यस, अवर मीन्स ऑफ शिव एज वेल एज द वन हु बेयर्स द टाइटल बाबा. मैं तो बाबा नहीं हूँ ना ओरिजिनली. हूँ. आई एम नॉट बाबा ओरिजिनली. एम आई? एम आई? मैं तो आत्माओं का बाप हूँ. इन फैक्ट आई एम द फादर ऑफ द सोल्स. तो हमारा, हमारा माने हम दोनों का. कौन दोनों का? सो अवर, अवर मीन्स ऑफ बोथ ऑफ अस. ऑफ हू बोथ? आत्माओं का बाप और मनुष्यों का. जो भी मनुष्य मात्र से दुनिया में 500-700 करोड़ है सबका बाप. द फादर ऑफ द सोल्स एंड द फादर ऑफ द ह्यूमन बींग्स. ऑफ ऑल द 5 to 7 billion ह्यूमन बींग्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. तो हम दोनों का पार्ट ही ऐसा है. सो द वेरी पार्ट ऑफ बोथ ऑफ अस इज सच. क्या? वॉट? एक बार आना यहाँ जरूर है. वी सर्टनली हैव टू कम हियर वंस. कहाँ? वेयर? यहाँ मैंने कहा पुरुषोत्तम संगम युग में. हियर मीन्स वेयर? इन द एलिवेटेड कॉन्फ्लुएंस एज. यस. एक राज्य स्थापन करना है इसलिए आना है. वी हैव टू कम बिकॉज वी हैव टू एस्टेब्लिश वन किंगडम. एक धर्म स्थापन करना है ऊंचे से ऊंचे. वी हैव टू एस्टेब्लिश वन हाईएस्ट ऑफ द हाई रिलीजन. जिसे मुसलमान भी कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन. द मुस्लिम्स ऑल्सो कॉल इट अल्लाह अव्वल दीन. मीनिंग अल्लाह एस्टेब्लिशेस द नंबर वन रिलीजन. अव्वल नंबर का धर्म है. इट इज द नंबर वन रिलीजन. तो उसको कहा जाता है अद्वैत धर्म. सो दैट इज कॉल्ड द नॉन ड्यूलिस्टिक रिलीजन. वहाँ कोई दूसरा धर्म पिता नहीं होता, दूसरा धर्म भी नहीं होता. देर इज नो अदर रिलीजियस फादर और रिलीजन देर. पुरुषोत्तम संगम युग जो होगा
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एलिवेटेड कॉन्फ्लुएंस एज, जिसमें पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष होगा, जिनके सामने दोज इन फ्रंट ऑफ होम द बेस्ट सोल पुरुषोत्तम विल बी रिवील्ड, तो वो वहाँ दूसरा धर्म, कोई दूसरे धर्म पिता होंगे, विल देर बी एनी अदर रिलीजन और एनी अदर रिलीजियस फादर्स देर, वो नहीं हो सकते, दे कांट बी देर। अद्वैत को तो ऐसे लिखो ना, तो देवता हो जाएगा। राइट अद्वैत मीनिंग नॉन ड्यूलिज्म लाइक दिस, देन इट विल बिकम देवता मीनिंग डीटी रिलीजन, कि दूसरा है ही नहीं। राइट दैट देर इजंट एनी अदर रिलीजन एट ऑल, तो जहाँ दूसरा धर्म नहीं है वो देवता धर्म है। सो वेयर देर इजंट एनी अदर रिलीजन एट ऑल इट इज द डीटी रिलीजन, तो देवता हो जाएगा। सो इट विल बिकम देवता। अभी तो देखो इस दुनिया में अद्वैत अक्षर, अरे भाई कोई समझते ही नहीं है। लुक नाउ इन दिस वर्ल्ड नो वन अंडरस्टैंड्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉन ड्यूअलिज्म एट ऑल। समझते डू दे अद्वैत अक्षर तो कोई भी नहीं समझते। नो वन अंडरस्टैंड्स द वर्ड नॉन ड्यूअलिज्म एट ऑल। कोई माने व्हाट डज नो वन मीन, तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं समझते अद्वैत का मतलब क्या है। नो वन अपार्ट फ्रॉम योर चिल्ड्रन अंडरस्टैंड्स इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन ड्यूअलिज्म, दूसरा कोई हो ही नहीं, एक ही एक। देयर शुडंट बी अ सेकेंड पर्सन एट ऑल, देयर शुड बी वन एंड ओनली वन। अब तुम कहते भी हो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, अरे एंड यू ऑल्सो से Mine is one Shiv Baba and no one else. अरे कोई नहीं याद आएगा। Won't you remember anyone? कोई से बात नहीं करोगे। Won't you speak to anyone? कोई को नहीं देखोगे। Won't you see anyone? इसलिए कहा। This is why it was said कि अद्वैत तो कोई समझते ही नहीं है। No one understands the meaning of non-dualism at all. अगर समझे तो मन बुद्धि से है कोई को याद न करे। If they understand it, they won't remember anyone through the mind and intellect. आँखों से कोई को देखना अच्छा अच्छा ही नहीं लगेगा। कोई से बात करना अच्छा लगेगा अच्छा ही नहीं लगेगा। They won't like to see anyone else through the eyes at all. Will they like speaking to anyone? They won't like it at all. तो समझते ही नहीं है अद्वैत का मतलब क्या। So they don't understand what the meaning of non-dualism is at all. अद्वैत का मतलब ही है एक ही है, एक ही क्या। The meaning of non-dualism is just one what? शख्सियत, एक ही personality. पर्सन जस्ट वन पर्सनैलिटी, एक पर्सनैलिटी के अलावा और कोई दूसरी पर्सनैलिटी न याद आए, न देखने में आए, न बात करने के लिए दिल हो या देखे या बात करे। यू शुड नीदर रिमेम्बर नॉर सी, नीदर शुड यू हैव द हार्ट टू स्पीक, नॉर शुड यू सी और स्पीक विथ एनी अदर पर्सनैलिटी अपार्ट फ्रॉम द वन। और कर्म इंद्रियों के साथ संग करने का तो सवाल पैदा ही नहीं होगा फिर। एंड देन द क्वेश्चन ऑफ टेकिंग कंपनी थ्रू द कर्म इंद्रिया वोंट अराइज एट ऑल। तो ऐसे लिखो ना। सो राइट दिस वोंट यू, तो कहेंगे पक्का पक्का है, बड़े ते बड़ा क्या हो जाएगा। देन इट विल बी सेड दैट ही विल बिकम अ फर्म द ग्रेटेस्ट, व्हाट विल ही बिकम, देवता हो जाएगा। कौन सा बड़ा देवता, ही विल बिकम अ डीटी, विच ग्रेट डीटी, कहते हैं देव देव महादेव। इट इज सेड देव देव महादेव मीनिंग द डीटी ऑफ द डीटीज इज द ग्रेटेस्ट डीटी। तुम बच्चों को समझाते हैं, ही एक्सप्लेन्स दिस टू योर चिल्ड्रन, कि अद्वैत माने देवता और द्वैत माना दैत्य। Non-dual means deities and dual means daitya, meaning demons. क्या? What?
दैत्य माने फाड़ना। दैत्य मीन्स टू टेयर। चीड़े भाड़े दो कर डाले। दे रिप एंड टेयर एंड मेक इट इनटू टू हाफ्स। क्या? व्हाट? एक को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो। डिवाइड वन इनटू टू पार्ट्स। क्या? व्हाट? क्रिश्चियंस ने क्या किया? व्हाट डिड द क्रिश्चियंस डू? भारत में आके क्या किया? भारत एक देश था, क्या कर दिया? आफ्टर कमिंग टू भारत व्हाट डिड दे डू? भारत वॉज वन कंट्री, व्हाट डिड दे डू? हिंदुस्तान पाकिस्तान दो बना के चले गए। दे डिवाइडेड हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान एंड लेफ्ट। तो क्या किया, किसको फॉलो किया? सो व्हाट डिड दे डू, हु डिड दे फॉलो? दैत्यों को फॉलो किया। डिड दे फॉलो द दैत्य? चीड़ फाड़ करने वाली द्विति माता को फॉलो किया, द्विति माता की संतानों को फॉलो किया। डिड दे फॉलो मदर दिति एंड हर चिल्ड्रन हु रिप एंड टेयर? या अदिति को फॉलो किया। और डिड दे फॉलो अदिति? किसको फॉलो किया? हु डिड दे फॉलो? दिति को फॉलो किया। स्टूडेंट रिप्लाइज, डिड दे फॉलो दिति? क्रिश्चियंस ने। द क्रिश्चियंस? क्रिश्चियंस की तो बात हो रही है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्रिश्चियंस। हाँ, दिति माने जो फाड़ दे। स्टूडेंट रिप्लाइज, यस, दिति मीन्स द वन हु टेयर्स। है दो हिस्सा कर दे। द वन हु डिवाइड समथिंग इनटू टू पार्ट्स। तो ये भी जानते हो। सो यू नो दिस एज वेल। कि बरोबर एक ही राज्य चलता चला आ रहा है। सर्टेनली ओनली वन किंगडम हैज बीन गोइंग ऑन। है अद्वैत राज्य, आदि सनातन देवी देवता धर्म। द नॉन ड्यूलिस्टिक किंगडम, द एंशियंट डीटी रिलीजन। और जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं वो हिंदू कहे जाते हैं। एंड दोज हु कन्वर्ट टू द अदर रिलीजन्स आर कॉल्ड हिंदूस। हिंदू दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए ना। द हिंदूज कन्वर्टेड टू द अदर रिलीजन्स, डिडंट दे? तो देवता से दैत्य बन गए ना, बन गए। सो दे बिकेम दैत्य फ्रॉम बीइंग डीटीज, डिडंट दे? दे डिड। तो अब जानते हो कि फिर जब रावण आता है तो द्वैत हो जाता है। सो नाउ यू नो, लेटर व्हेन रावण कम्स देयर इज ड्यूअलिज्म। कब से? फ्रॉम व्हेन? जब से ये इस्लाम ही भी आ गया है, बौद्ध भी आ गया। एवर सिंस दिस इस्लाम केम एंड बुद्धिज्म आल्सो केम। तो फिर जब दो हो जाएंगे तो आपस में ताली बजेगी ना। सो व्हेन देयर आर टू पार्टीज दे विल क्लैप, मीनिंग क्लैश, वोंट दे? एक हाथ से ताली बजा। क्लैप विद वन हैंड। बजेगी। विल देयर बी अ क्लैप? बजेगी ही नहीं। देयर वोंट बी अ क्लैप एट ऑल। अब दो हो जाएंगे तो ताली बजेगी। एंड व्हेन देयर आर टू पार्टीज देयर विल बी अ क्लैप। पीछे तो फिर जास्ती मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, दो से चार, चार से आठ, ये बढ़ते ही जाते हैं, मत मतांतर है। यस, लेटर देयर इज अ लॉट ऑफ मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम टू टू फोर, फ्रॉम फोर टू एट, दीज डिफरेंट ओपिनियंस कीप इंक्रीजिंग। धारणाएं अनेक प्रकार की हो जाए, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना। मेनी काइंड ऑफ धारणा आर क्रिएटेड। धारणा मीन्स बिलीफ एंड प्रैक्टिस ऑफ अ रिलीजन। एवरी हेड हैज इट्स ओन ओपिनियन। देखो मल्टीप्लिकेशन होती जाती है, बाप बैठ करके ये सभी बातें समझाते हैं। लुक द मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूज, द फादर सिट्स एंड एक्सप्लेन्स ऑल दीज टॉपिक्स। और ये कोई को भी समझाने के लिए समझाते हैं। एंड ही एक्सप्लेन्स इट सो दैट यू कैन एक्सप्लेन इट टू एनीवन। तुम 500-700 करोड़ में से कोई को भी समझाओ। यू कैन एक्सप्लेन इट टू एनीवन अमंग द 5 to 7 billion। ऐसे नहीं सिर्फ तुम्हारे लिए समझाते हैं। इट इजंट दैट ही एक्सप्लेन्स इट ओनली फॉर यू। तो भला इतनी सभी पॉइंट्स भाई याद कोई कर सकते हैं? यस, कैन एनीवन रिमेम्बर सो मेनी पॉइंट्स? देखो जो कोई डॉक्टर भी होते हैं ना, हैं, या कोई बैरिस्टर वकील होते हैं। लुक देर आर डॉक्टर्स और बैरिस्टर्स और लॉयर्स। तो वो सारी दवाइयां याद रखते हैं क्या?
सो डू द डॉक्टर्स रिमेम्बर ऑल द मेडिसिंस? याद रहती हैं? नहीं. डू दे? नो. और वकीलों को इतने ढेर सारे कानून निकल पड़े हैं. एंड द लॉयर्स? न्यूमरस लॉज हैव बीन मेड. सब कानून की बातें याद रहती हैं? नहीं. डू दे रिमेम्बर ऑल द लॉज? नो. तो उनको भी पॉइंट्स की है? हाँ, पॉइंट्स की जरूरत रहती है. सो दे ऑल्सो नीड पॉइंट्स. तो जो अच्छे अच्छे बैरिस्टर होते हैं, पढ़ करके होशियार होते हैं. द गुड बैरिस्टर्स हु स्टडी एंड बिकम इंटेलिजेंट. वो फिर बहुत पॉइंट्स धारण करते हैं बुद्धि में. दे कीप अ लॉट ऑफ पॉइंट्स इन देयर इंटेलेक्ट. कि लड़ते हैं कोर्ट में. सो दैट व्हेन दे आर्ग्यू इन द कोर्ट. तो बैठ करके वो पॉइंट्स के ऊपर, वो कायदे कानून के ऊपर बहुत मनन चिंतन मंथन करते हैं. नहीं. हाँ. दे सिट थिंक एंड चर्न ओवर दोज पॉइंट्स, दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस अ लॉट. नो? यस. वैसे ये डॉक्टर लोग. इट्स द सेम विद दीज डॉक्टर्स. डॉक्टर भी देखो कितने हैं और कितनी दवाइयां लिखते. लुक एट द डॉक्टर्स टू. दे आर सो मेनी एंड दे प्रिस्क्राइब सो मेनी मेडिसिंस. भांति भांति के डॉक्टर. देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्टर्स. एलोपैथी के डॉक्टर. देर आर एलोपैथिक डॉक्टर्स. आप आदमी होने की ढेर दवाइयां. दे हैव न्यूमरस मेडिसिंस. होम्योपैथी के डॉक्टर, उनकी तो और ही ढेर सारी दवाइयां. देर आर होम्योपैथिक डॉक्टर्स. दे हैव इवन मोर मेडिसिंस. आयुर्वेदिक डॉक्टर. देर आर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स. कितनी दवाइयां. दे हैव सो मेनी मेडिसिंस. जो बहुत बहुत होशियार होते हैं ना. दोज हु आर वेरी इंटेलिजेंट. हाँ, तो उनको बहुत मंथन करना पड़ता है दवाइयों के बारे में कि भाई इस मरीज के लिए कौन सी दवाई देना चाहिए. दे हैव टू चर्न अबाउट द मेडिसिन इन देयर इंटेलेक्ट अ लॉट. ब्रदर, विच मेडिसिन शुड आई गिव दिस पेशेंट? इसे जो वकील को क्या करना पड़ता है? दिस. व्हाट डज अ लॉयर हैव टू डू? ये जो कोर्ट में जिस मुवक्किल के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं. द क्लाइंट फॉर होम आई एम आर्ग्यूइंग इन द कोर्ट. इसको जीत दिलाने के लिए कौन सी पॉइंट है जो जीत हो जाए. टू विन द केस फॉर हिम, विच आर द पॉइंट्स दैट कैन मेक अस विन. तो बुद्धि तो चलानी पड़ती है ना. सो दे सर्टेनली हैव टू यूज देयर इंटेलेक्ट, डोंट दे? यस. तो ये भी तुम्हारी राजधानी है. सो दिस इज ऑल्सो योर कैपिटल, राजधानी. उस राजधानी में है राजा की धारणा शक्ति है. देर इज द पावर ऑफ एसिमिलेशन ऑफ द किंग. राजा की धारणा शक्ति इन दैट कैपिटल. इस धारणा शक्ति को चुनने के लिए तुम्हें अकल बिरानी पड़ेगी. नहीं. विल यू हैव टू रैक योर ब्रेन टू चूज दैट पावर ऑफ एसिमिलेशन और नॉट? कि भाई कौन सी धारणा शक्ति जो है वो हम लागू करें अपने लिए. यू हैव टू थिंक, ब्रदर, विच पावर ऑफ असिमिलेशन शुड आई अप्लाई. जिससे हमारी सभी बीमारियां सब खलास हो जाएं जन्म जन्मांतर की. सो दैट ऑल माई डिजीजेस आर डिस्ट्रॉयड फॉर मेनी बर्थ्स. परंतु ये तो देखो बीच में ये माया टांग अड़ा देती है. बट लुक एट दिस. This Maya interferes in between. है क्या कहा? What was said? है ये माया. हाँ, वायलोरा डाल देती है. This Maya, yes, she creates obstacles. अब जो बहुत मनन चिंतन मंथन करने में होशियार होते हैं, है बड़े जहीन होते हैं. Now, those who are very skilled in thinking and churning. Who are very intelligent. जिनके बुद्ध रूपी पॉकेट में बहुत कुछ पॉइंट होते हैं. Who have a lot of points in their pocket like intellect. है वो फिर देखो कितना कमाते हैं. Look how much they earn. बहुत कमाई करती है कि नहीं?
डू दे अर्न अ लॉट और नॉट? तो ये बातें दुनिया वाली बातें बाबा क्यों सुनाते हैं? सो वाई डज बाबा नरेट दीज टॉपिक्स द टॉपिक्स ऑफ द वर्ल्ड? उनके दुनिया की मिसाल क्यों देते हैं? वाई डज ही गिव द वर्ल्डली एग्जाम्पल्स? तुम बच्चों को ये मिसाल देने की दुनिया की क्या जरूरत? वॉट इज द नीड टू गिव दीज वर्ल्डली एग्जाम्पल्स टू योर चिल्ड्रन? वो मिसाल देके समझाते हैं। ही गिव्स दोज एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेन्स कि जैसे वो डॉक्टर होते हैं, वो वकील होते हैं। जस्ट लाइक देर आर दोज डॉक्टर्स लॉयर्स। तो कितना कमाते हैं? तुम बेहद के वकील, बेहद के डॉक्टर, बेहद के सर्जन। दे अर्न सो मच। यू आर एन अनलिमिटेड लॉयर, एन अनलिमिटेड डॉक्टर, एन अनलिमिटेड सर्जन। नहीं, हाँ बनते हो। नो, यस यू बिकम दैट। तो तुमको भी फिर मनन चिंतन मंथन करके ढेर सारे नए नए पॉइंट, ढेर सारी दवाइयाँ तैयार करनी पड़े। सो यू मस्ट ऑल्सो थिंक एंड चर्न एंड ब्रिंग आउट मेनी न्यू पॉइंट्स, प्रिपेयर मेनी मेडिसिन। कई कई दवाइयाँ मिक्स करके नई नई दवाई तैयार कर देते हैं कि नहीं? डू दे मिक्स मेनी मेडिसिन एंड मेक अ न्यू मेडिसिन और नॉट? नहीं करते, कर देते। डोंट दे डू। तो बच्ची जो बहुत कमाते हैं, लाखों लाख रुपया कमाते हैं। सो डॉटर, दोज हु अर्न अ लॉट, हु अर्न हंड्रेड थाउजेंड ऑफ रुपीज हैं, और एक एक केस का भी कमाई लेते हैं। एंड दे अर्न मनी फॉर एवरी केस। उनको इतना पैसा मिलता है। दे गेट सो मच मनी। कमाते हैं। दे अर्न, अरे दिन में पांच दस बीस हजार तो कोई उनके लिए बात ही नहीं है एक दिन में। अरे अर्निंग फाइव टेन ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज इन अ डे इज नथिंग फॉर देम। होशियार डॉक्टर हो। इफ ही इज एन इंटेलिजेंट डॉक्टर। अरे कभी सर्जन देखा? अरे हैव यू सीन अ सर्जन? सर्जरी करते हैं ना? दे डू सर्जरी, डोंट दे? साधारण डॉक्टरों के मुकाबले ज्यादा पैसा लेते हैं। डू दे टेक मोर मनी कम्पेयर टू ऑर्डिनरी डॉक्टर्स? कि कम लेते हैं। और डू दे टेक लेस? बहुत पैसा लेते हैं। दे टेक अ लॉट ऑफ मनी। तो फिर डॉक्टरों को देखो। देन लुक एट दीज डॉक्टर्स। तो बेचारे पांच सात सौ, कोई कोई ऐसे भी होते हैं। सम पुअर वंस आर सच हु अर्न जस्ट फाइव टू सेवन हंड्रेड रुपीज। दो सौ तीन सौ चार सौ ही कमाते सारा दिन में। दे जस्ट अर्न टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड और फोर हंड्रेड रुपीज इन द होल डे। और वो? एंड वॉट अबाउट देम, मीनिंग सर्जन्स? एक ही दिन में एक ही ऑपरेशन करेंगे कुछ घंटे या कुछ मिनट। दे विल जस्ट डू वन ऑपरेशन फॉर अ फ्यू आवर्स और अ फ्यू मिनट्स इन अ डे। और उसमें कितना पैसा कमा लेते। एंड दे अर्न सो मच विथ इट। तो ये काई की कमाल है। सो वॉट इज द मिराकल? नहीं पता चला। डिड यू कम टू नो? अरे ये पढ़ाई की कमाल है ना। अरे दिस इज द मिराकल ऑफ द स्टडीज, इजंट इट? यस। तो वैसे तुम्हारी भी ये पढ़ाई है। सिमिलरली दिस इज योर स्टडी। दुनिया की बातों को याद करते हो, देखते हो, मनन चिंतन मंथन करते हो। इफ यू रिमेम्बर, सी, थिंक एंड चर्न अबाउट द वर्ल्डली अफेयर्स। तो वो तो लौकिक पढ़ाई हो गई। इट बिकम्स द वर्ल्डली स्टडी। उसे लौकिक पढ़ाई से वो लौकिक दुनिया की कमाई कौड़ियों की कमाते हैं आज हैं। विद द वर्ल्डली स्टडी यू अर्न द वर्ल्डली इनकम, द इनकम ऑफ कौरीज विच एग्जिस्ट टूडे। क्या बता दिया ना? वॉट इट वॉज सेड, वाजंट इट? ये लौकिक दुनिया में धन संपत्ति कमाते हैं उसका क्या हाल होने वाला है? वॉट इज गोइंग टू बी द कंडीशन ऑफ द वेल्थ एंड प्रॉपर्टी दे अर्न इन द लौकिक वर्ल्ड? बहुत जल्दी अभी ये हाल होने वाला है। क्या? दिस इज गोइंग टू बी द कंडीशन वेरी सून। वॉट? किन की दबी रही धूल में, किस की राजा खाए, किन की ले गए चोटा, किन की आग जलाए। किन की दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किन की ले गए चोटा, किन की आग जलाए। समवन्स वेल्थ विल रिमेन बेरिड अंडर द लैंड, समवन्स वेल्थ विल बी सीज्ड बाय द किंग, समवन्स वेल्थ विल बी स्टोलन बाय थीव्स,
एंड समवन्स वेल्थ विल बी बर्न्ड बाय फायर. होगा कि नहीं? विल दिस हैपन और नॉट? यस. तुम्हारी पढ़ाई तो ऐसी है, बेहद की पढ़ाई, बेहद के बाप के द्वारा पढ़ाई जाने वाली पढ़ाई. एंड योर स्टडी, द अनलिमिटेड स्टडी, द स्टडी दैट इज टॉट बाय द अनलिमिटेड फादर इज सच कि तुमको तो इतने ढेर सारे पॉइंट्स मिलते हैं. दैट यू गेट सो मेनी पॉइंट्स. बेसिक पढ़ाई से ही मिलते चले आए. बेसिक में जितने ढेर पॉइंट मिले थे, यू हैव बीन गेटिंग देम फ्रॉम द बेसिक नॉलेज इटसेल्फ. द एक्सटेंट टू विच यू गॉट पॉइंट्स इन द बेसिक नॉलेज और जितनी पढ़ाई वहाँ पढ़ी, एंड द एक्सटेंट टू विच यू स्टडीड देयर. बेसिक में कितने साल पढ़ी? हाउ मेनी इयर्स डिड यू स्टडी इन द बेसिक नॉलेज? ज्यादा से ज्यादा किसी ने कितने साल पढ़ी होगी बेसिक में? एट द मोस्ट हाउ मेनी इयर्स वुड समवन हैव स्टडीड इन द बेसिक नॉलेज? है 40 साल पढ़े. अच्छा. स्टूडेंट रिप्लाइज, दे स्टडीड फॉर 40 इयर्स. अच्छा. कैसे? ब्रह्मा बाबा तो बेसिक पढ़ाई पढ़ाने वाले जो असली टीचर थे. हाउ? ब्रह्मा बाबा द रियल टीचर हु टॉट द बेसिक नॉलेज? प्रैक्टिकल जीवन में थे कि नहीं? हाँ. वॉज ही दैट इन हिज लाइफ इन प्रैक्टिस और नॉट? यस. उन्होंने तो 33 साल टोटल, उन्होंने ही फॉर 33 इयर्स इन टोटल. ओम मंडली भी उसमें मिला दो 10 साल और 5 साल. एट द पीरियड ऑफ ओम मंडली एज वेल टू इट 10 इयर्स एंड 5 इयर्स. तो वो टाइम भी निकालना पड़े ना. उन्होंने तो पढ़ाई कब से पढ़ाना शुरू की? सो यू विल हैव टू टेक आउट दैट टाइम एज वेल, वोंट यू? फ्रॉम व्हेन डिड ही स्टार्ट टीचिंग द नॉलेज? 47 से ना. From 1947, right? 47 से 67 कितने साल हुए? 68-69 तक. From 1947 to 1967. From 1947 to 1967, how many years has it been till 1968-69? कितने साल हुए? How many years has it been? अरे 33 साल ही से जो हुए, इससे ज्यादा तो नहीं हुए. अरे इट हैज बीन जस्ट 33 इयर्स, हैजंट इट? सर्टनली इट हैजंट बीन मोर देन दैट. तीन देवताएं ना, तो तीनों का टाइम बटा हुआ है. देर आर 3 डीटीज, aren't there? सो द टाइम फॉर ऑल द 3 डीटीज हैज बीन डिवाइडेड. 33 33 इयर्स फॉर ईच. तोड़ा रूंग के 2-4 महीने लगा दो. एड अ बोनस ऑफ 2-3 मंथ्स. तो 100 साल है तीनों के मिला के. देर आर 100 इयर्स इफ यू एड द टाइम ऑफ ऑल द 3 डीटीज. तो तुमको पॉइंट्स तो बहुत मिलती है. सो यू गेट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स. बेसिक नॉलेज के मुकाबले जास्ती पॉइंट्स मिलती है. डू यू गेट मोर पॉइंट्स कम्पेयर टू द बेसिक नॉलेज? या कम मिलती है? और डू यू गेट लेस पॉइंट्स? जास्ती मिलती है. यू गेट मोर पॉइंट्स, तभी कहते हैं. इट इज देन दैट ही सेज कि इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से धारण करो. असिमिलेट दीज पॉइंट्स नाइसली. क्या? वॉट? हाँ, दुनियावी बातों में, इन देहदारियों के चक्करों में. यस, इन द वर्ल्डली अफेयर्स, इन द मिसगाइडेंस ऑफ द बॉडीली बींग्स. और देह की जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के, जो देह के पदार्थ होते हैं ना. And the positions of the body, there are things related to the body, aren't there? उन देह के पदार्थों में बुद्धि न रमाओ. Don't engage your intellect in them. इन पॉइंट्स में बुद्धि रमाओ अच्छी तरह से. Engage your intellect in these points nicely. ओम शांति. ओम शांति.